नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान में SCO यानी कि शंघाई सहयोग संगठन में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं और यहां पर उनकी मुलाकात 15 अक्टूबर को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से हुई है, जिसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो वायरल होने लगा है और इसमें शहबाज शरीफ एस जयशंकर का स्वागत करते हैं और उनसे हाथ मिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। खबर है कि शहबाज शरीफ ने आगे आकर विदेश मंत्री एस जयशंकर से हाथ मिलाया है और दोनों नेताओं ने थोड़ी बातचीत भी की है। उसके साथ में तस्वीरें भी क्लिक करवाई गई हैं और लगभग ये एक दशक में पहली बार हुआ है जब भारत के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान की यात्रा की है, जबकि कश्मीर मुद्दे और पाकिस्तान की ओर से जारी सीमाओं पर आतंकवाद को लेकर दोनों पड़ोसियों के बीच संबंध काफ़ी ज़्यादा तनावपूर्ण बने हुए। आपको बताएं कि पाकिस्तान की यात्रा करने वाली पिछली भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज थी, जिन्होंने 2015 8 और 9 दिसंबर को यात्रा की थी, जो अफगानिस्तान पर आयोजित हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में भी भाग लेने के लिए इस्लामाबाद गई हुई थी। एस जयशंकर उस समय भारत के विदेश सचिव थे और स्वराज के प्रतिनिधित्व मंडल का हिस्सा थे। जानकारी के मुताबिक विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान SCO शिखर सम्मेलन में पाकिस्तान के नेताओं के साथ कोई भी द्विपक्षीय वार्ता नहीं करेंगे और पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावर भुट्टो जरदारी ने यह बताया है कि किसी भी देश का प्रतिनिधि सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय वार्ता नहीं कर सकते। अब आपको बताते हैं कि SCO क्या है और इसको लेकर एस जयशंकर पाकिस्तान क्यों गए। दरअसल अप्रैल 1996 के अंदर एक बैठक हुई थी और इसमें चीन, रूस और कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तकास्तान शामिल हुए थे। इस बैठक का मकसद ये था कि आपस में एक दूसरे के नस्लीय और तनावों को दूर करने के लिए सहयोग करना है और इस शंघाई 5 नाम भी दिया गया था। हालांकि इस मायने में इस संगठन का विस्तार 15 जून 2001 में हुआ। उसके बाद चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तकास्तान के साथ साथ उज़्बेकिस्तान ने भी शंघाई को ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की, जिसके बाद नस्लीय और धार्मिक के तनावों को दूर करने के अलावा कारोबार और निवेश को बढ़ाना एक महत्वपूर्ण मकसद बना। 1996 में जब शंघाई 5 का गठन हुआ, तब इसका मकसद चीन और रूस की सीमाओं पर तनाव कैसे रोका जाए और कैसे उन सीमाओं को सुधारा जाए, इसको लेकर कार्य करना था, क्योंकि उस समय बने नए देशों में तनाव बना हुआ था और ये मकसद सिर्फ 3 साल में ही हासिल हो गया, इसलिए इसे सबसे ज्यादा प्रभारी संगठन भी माना जाता है। बहरहाल अब ये देखना होगा कि विदेश मंत्री के पाकिस्तान जाने से भारत और पाक के रिश्तों पर क्या कुछ असर पड़ता है और दोनों देश किस तरह से आगे बढ़ते हैं और किस तरह से एक दूसरे की मदद और दोनों देश तरक्की करते हुए नजर आते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। छोटी बड़ी हर खबर आपको न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर मिलेगी। बने रहे न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।